Hey guys, welcome back to the channel and hope you all are doing good. कल वाली वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इसीलिए तुम्हारा भाई सिर्फ तुम सबके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया है। अपने टाउन हॉल के अपग्रेड में अभी 6 दिन बाकी हैं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ टाउन हॉल 14 को लेकर, तो तुम भी अपना टाउन हॉल लेवल कमेंट करके बताना मुझे। तो क्लैन गेम्स चल रही हैं अभी, अपने क्लैन में तो कम्प्लीट होने वाली हैं। अगर तुम्हारे क्लैन में नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। चलो आज के लिए थोड़ी लूट कर लेते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। फर्स्ट अटैक में हाइब्रिड आर्मी यूज करने वाला हूं मैं आज। क्या बात है, ये तो पहली सर्च में ही अच्छा बेस मिल गया। लूट भी ठीक ठाक है इस बंदे के पास। लगता है गेमिंग के देवता मेहरबान है मुझ पर आजकल। टाउन हॉल 14 है पर कोई नहीं चलेगा क्योंकि इसका टाउन हॉल अपग्रेड पे लगा है। टाउन हॉल ब्लास्ट की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं। 3 o'clock से अटैक करने की सोच रहा हूँ मैं क्योंकि उस तरफ स्वीपर भी कोई कवर नहीं कर रहा। बताया था ना स्वीपर से उंगली करने पर क्या होता है। तो पहले 2 बेबी ड्रैगन, फिर बीच में क्वीन, देन 2 बलून्स एंड देन हीलर्स। आज फिर कोई पूछेगा भाई कि हीलर से पहले लून क्यों डाल। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरी मर्जी। अब यहाँ पे वॉल ब्रेकर डालने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि वॉल पहले से टूटी है और क्वीन अंदर ही जाएगी। टीम से फाइट लेने के लिए एक हेड हंटर एंड देन एक और रूम। बस अब अपने को कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चिल करना है। क्वीन थोड़ा बेस नैरो कर दे, उसका वेट करना है। बस अब बेस नैरो हो गया। अब मैं अपना किंग और सीज ब्रैक डालूंगा। 1-2 सेकंड वेट करूंगा मैं एंड देन माइनस वार्डन, रॉयल चैंपियन एंड हॉक्स एकदम स्पैम कर दूंगा। यहाँ पर अपने हाइब्रिड को एक हील की ज़रूरत है तो मैं हील डाल दिया। वार्डन की एबिलिटी थोड़ा जल्दी दे दी क्योंकि यहाँ पर टाउन में ब्लास्ट की चिंता नहीं थी मुझे एंड ट्रूप्स स्प्रेड हो रहे थे। अब तो भाई कुछ नहीं बचा है इस पेज पर। इजी 3 स्टार होने वाला है। बस अब थोड़े से क्लीन अप टूफ डालूंगा मैं ताकि ये जल्दी जल्दी अटैक कर जाए। अपना पहला अटैक ठीक ठाक ही रहा। लूट और बोनस भी अच्छा खासा मिल गया मुझे। तो अब चलते हैं अपना दूसरा अटैक मारने। इसमें मैं येटी बोबैट आर्मी यूज़ करने वाला हूँ। यह आर्मी वैसे तो बहुत मस्त है बट टाउन हॉल 13 पर आकर थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। इसीलिए जब से टाउन हॉल 13 पर आया हूँ इस आर्मी को ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैं। बट टाउन हॉल 12 पर येटी बोबैट और पक्का बोबैट बहुत ज़्यादा यूज़ किया करता था मैं। मेरे क्लैनमेट मुझे बैट किंग के नाम से बुलाया करते थे। वैसे तो येटी बोबैट करना बहुत सिंपल है। इसमें एक साइड हमें वार्डन विद हीलर से फनल करना पड़ता है और दूसरी साइड फनल बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रो ड्रैगन पसंद है। तुम चाहे तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही थोड़ा फनल बन जाएगा सबसे पहले मैं येटी छोड़ूंगा अपने और उसके पीछे लॉग लॉन्चर। तुम चाहे तो बॉल रख कर भी यूज़ कर सकते हो एंड फिर सारे के सारे बॉलर्स। और याद रखना अगर तुम्हारा फनल अच्छे से बना है तो ही सारे ट्रूप्स अंदर जाएंगे वरना बाहर ही रिंगा रिंगा रोजेस खेलते रहेंगे। और फिर जैसे ही ट्रूप्स आगे बढ़ते जाएँ उन पर रेज डालते जाओ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बैट डालने से पहले हमें अपने येटी और बॉलर से टाउन हॉल लेने का ट्राई करना। टाउन हॉल और ईगल आर्टिलरी के जाते ही एक तरफ से चमगादड़ छोड़ दूंगा मैं। अब तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस चमगादड़ों को स्प्लैश डैमेज से बचाना है। स्प्लैश डैमेज यानी कि विजर टावर, मल्टी इन्फर्नो, स्कैटर शॉट, टाउन हॉल एटसेट्रा। बट टाउन हॉल को मैंने पहले ही फोड़ दिया तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे। और कैसे बचाएंगे हम बैट्स को, इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा आंसर है, स्प्लैश डैमेज पर फ्रीज डाल। बस अब मेरे बैट्स बच रहे हैं तो ईजी ट्रिपल होगा ये बेस। और भाई मुझे लगता है कि मेरी इस आर्मी कॉप में मुझे एक फ्रीज और ऐड कर लेना चाहिए बैट को हटाकर। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे अपन। ये अटैक भी मेरा ठीक ठाक था, उतना अच्छा नहीं था बट हो गया, 3 स्टार आ गए। अपने को तो स्टार से मतलब है भाई। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।